असलमकुम जी वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम टू अनदर अदर व्लाग कैसे हैं आप सब लोग हो करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं भी अलहमद ला ठीक ठाक हूँ और ये जो ब्लॉग देख रहे हैं ना आप ये वाला क्लिप जो है जिसमें मैं आलू के पराठे बना रही हूँ तो ये वाला क्लिप ना काफ़ी दिन पहले का था ये मेरी गैलरी में पढ़ा हुआ था और मैंने इसको ब्लॉग में एडिट ही नहीं किया था तो मैंने सोचा कि ये पढ़ा हुआ है तो क्यों ना मैं इसको भी एडिट कर देती हूँ आज के ब्लॉग में तो यहाँ मैं बना रही थी आलू के पराठे और यहाँ मैंने सारे मसाले डाले और मैं ढेर सारा ना हरा मसाला डालती हूँ क्योंकि हरा भरा जो आलू का बनता है ना उसकी अलग ही बात होती है अलग ही टेस्ट होता है अलग ही खुशबू होती है तो सारे स्पाइस डालने के बाद एंड में मैंने चाट का मसाला डाला और फिर इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी मैं हाथों की मदद से ही करती हूँ क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है सारे मसाले जो है ना अच्छी तरह से एक जान होने चाहिए तो वो हाथ से ही होते हैं और किसी चीज़ से मतलब फोक से या स्पून से नहीं हो पाता इस तरह से तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है मैंने ये बैटर बना लिया था आलू के पराठों का इसके बाद जी मैं आलू के पराठे बनाऊंगी और आज ना मैं आप लोगों को पहले ही रिमाइंडर करवा रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं देख देख के बस चले जाते हैं चुपके से ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को भी लाइक करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता लेकिन आपके एक सस्... मेरा सब्सक्राइबर एक बढ़ जाता है ना तो मुझे उसकी भी इतनी ज़्यादा खुशी होती है मेरा दिल करने लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर मैं डालूँ तो फिर इसलिए जो है ना आप लोग प्लीज़ 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 जो है मैं बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो इस तरह से तो को पता चलता है कि हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर वो आगे जो है उसको भेजता है तो इस तरह से व्यूज़ बढ़ते हैं और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठूँ ना तो कोई ना कोई हमारी गली में आ जाता है कुछ बेचने के लिए तो अभी भी यही हुआ था खैर उसको इग्नोर कीजिएगा और चलते हैं ब्लॉग की तरफ तो दोबारा से आते हैं तो उसके बाद जी यहाँ पर ना हमारे कुछ घर में गेस्ट आने वाले थे जिनकी शादी अभी अटेंड की थी ना तो उन्हीं को हमने डिनर पर इन्वाइट किया था तो यहाँ में बिरयानी वगैरह बना रही थी मैंने मीठा पहले ही बना के फ्रिज में रख दिया था कबाब भी बना के रख दिए थे यहाँ पर बिरयानी का कौरमा भी रेडी हो गया था और जब उनके आने का वक्त होगा ना तभी मैं चावल बॉईल करके फिर डाल दूँगी सालन में मैंने चिकन कढ़ाई बनाई था और अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना मैंने किसी भी चीज़ की रेसिपी नहीं शेयर की किसी भी चीज़ की कुकिंग नहीं शेयर की है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं और मैं जल्दी जल्दी जल काम अपने निपटाना चाह रही थी तो यहाँ पर अभी देखें सब सफाई वगैरह भी कर दी है ड्राइंग रूम की और ड्राइंग रूम का अभी न्यू न्यू रेनोवेशन हुआ है यहाँ की अभी चीज़ें कुछ कुछ मिनिमम हमने लग, रखी हैं कुछ कुछ नहीं है अभी बाकी तो वो आहस्ता आस्ता होता जाएगा मैं आपसे ब्लॉग में शेयर करती जाऊँगी तो यहाँ पर फोर सीलिंग वगैरह मैं आपको पहले के ब्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ इस तरह से हम लोगों ने फोर सीलिंग करवाई थी नीचे टाइल्स लगवाए दिए थे पूरे ड्राइंग रूम में ही और वॉल पेपर दो वॉल पे हमने लगवाए थे ये वाले इस तरह से कलरफुल से तो बिल्कुल ना हमारे अभी ड्राइंग रूम का थोड़ा लुक चेंज हो गया इसके अलावा मैंने ना दराज तो से कुछ ऑर्डर भी किए हैं तो वो जैसे आए आज ही के ब्लॉग में आए मैंने आपसे शेयर किया है तो वो भी देखिएगा तो जिस दिन हमारे घर में गेस्ट आने थे ना उसी दिन, दिन ही मेरा पार्सल आ गया था तो खैर यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये हमारे पहले वाले ही सोफ़े थे बस हमने अभी जो है ना सोफ़े वगैरह नहीं लिए हैं बस इसी में इतना ज़्यादा टाइम और वो लग गया काम तो फिर मेरे हस्बैंड भी जब आए तो वो ये सब करवा के अब जा चुके हैं वापस अपनी ड्यूटी पर तो जब वो आएँगे तब देखा जाएगा इसके बाद जिस आगे से स्ट्रेन लोगों की शादी भी है उसके ब्लॉग भी शेयर करूँगी तो मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए ना आपको लाजमी तौर तो पर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो जी यहाँ पर ना अब मैं चावल बॉइल मुझे पता चल गया था कि इस टाइम पे अब पर वाले हैं गैस तो बस मैंने फिर चावल बॉईल करने थे उनकी तेल लगा देनी थी बिरयानी की ना तो बड़े सारे पतीले में मैं हमेशा पानी लेती हूँ ताकि चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाए खिले खिले चावल बने ना तो यहाँ पर मैं पानी के अंदर जो चीज़ें डाल ली हूँ जिसमें ज़ीरा डाला था मैंने पुदीना डाला था और हरी मिर्च डाली थी ऑयल डाल दिया था लम, नमक अच्छा खासा डाला था मैंने ताकि जो है चावल अच्छे से हमारे बने यहाँ पर मैं राइस को भिगो के रख दूँगी ये बासमती राइस है तो इनको आ, हा, हाफ अन जो है हमने करना है भिगो के रखना है यहाँ पर आ चुका था जी ये दराज से पार्सल ये वॉल हैंगिंग शेल्फ है इस पर आप शो पीस वगैरह अपने रख सकते हैं डेकोरेटिव आइटम है ये तो यहाँ पर अभी हस्बैंड आए थे तो बस ओपन किया उन्होंने उसके बाद जी अब वो इसको लगा रहे हैं उसके बाद मैंने इसको हमने सोचा हुआ था ऑलरेडी कि हमें इस वॉल पे इसको लगाना है तो बस यहाँ पर अभी ये फ़िक्स करने के बाद फिर हस्बैंड लगाएंगे अच्छा जब भी आप लोग घर के लिए कोई चीज़ लेना तो पहले आप चीज़ें नहीं लें पहले आप अपने घर में देखें कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ सूट करेगी तो ही आप लें वरना तो अगर आप पहले से ही कोई चीज़ ऑर्डर कर देंगे और घर में अगर कोई जगह उसके लिए सही नहीं लगेगी ना तो वो शोपीस आपको इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगेगा आपके घर में भी और वो वेस्ट भी हो जाता है समटाइम तो ऐसा भी होता है तो खैर हमने जो है अपनी जिस वॉल के लिए पहले हमने ना एक कॉर्नर का सोचा हुआ था कि जहाँ पर आपको ग्रीन प्लांट दिख रहा है ना यहाँ पर हम एक कॉर्नर लगा देंगे वो भी हमने दराज पर देखा हुआ था बट फिर जब हमने वाल लगाए हैं ना तो वो जो है वाइट वॉल पे वो कॉर्नर अच्छा लगना था वॉलपेपर पेपर के बाद लगाने के बाद वो अच्छा नहीं लगना था फिर हमने सोचा कि बीच में ये जो हमारी दीवार है ना यहाँ पे जगह खाली है तो हम यहाँ बीच में कुछ ऐसा मंगवाते हैं जो यहाँ पर सूटेबल लगे ना तो फिर जब मैंने दराज़ पर सर्च किया ना तो मुझे ये नज़र आया वॉल माउंटेड हैंगिंग शेल्फ तो यहाँ पर अभी हम जो है हस्बैंड मेरे फिक्स कर रहे थे यहाँ पर तो बस यहाँ पर वो फिक्स करेंगे उसके बाद में देखूंगी फिलहाल मैंने जो मेरे घर में ही पड़े हुए डेकोरेटिव आइटम्स थे वो भी रख दिए थे और यहाँ रख के हम देख रहे थे कि क्या चीज़ यहाँ अच्छी लग रही है तो पहले यहाँ पर हमने ग्रीन 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 ना बहुत अच्छा लग रहा था व्हाइट के साथ ग्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है तो वाइट दीवार दी तो फिर ग्रीन ही हमने सोचा कि यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स होने चाहिए सो so, फिर यहाँ पर जी मैंने ये रख दिया था और फिर हस्बैंड हाँ ने ना इसमें फिर ये ग्रीन बॉटल के अंदर उन्होंने एक बेल थी हमारे पास ही पड़ी हुई थी तो वो भी रख दी थी तो बड़े ही प्यारा इससे लुक आ रहा था और मैंने ये ब्राउन कलर का मंगाया था इसमें और भी कलर्स थे दराज़ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें रिसीव हुआ था ये <laughs>

बाबा को चुप करवा दो अपू दे दो चुवारा चुवारा तो यहाँ पर तकरीबन रात के डेढ़ बजे थे लेकिन यश किस्वत की आंखों में बिल्कुल भी जो है नींद नहीं थी और वो अपने बाबा के साथ लेट नाइट खेल रही थी आजकल इन लोगों की रूटीन बहुत लेट हो गई है सोने की और मैं कोशिश कर रही करी कि लोग दोबारा से वक्त पर सोया करें तो बस आज के ब्लॉग में यही सारी चीज़ें थी यही शेयरिंग थी आज की मिलूंगी आपसे अपने किसी और ब्लॉग में तब तक के लिए जब अपना बहुत सारा ख्याल रखे मुझर दुआ याद अला हाफिज़